Friends, a very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Our Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. So students, how are you all? I hope you all are very fine and your studies are going very well. So in our previous class, we have completed our chapter, Movements Book, Class 9th. चैप्टर सेकेंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. हमने टोटो जाना कि टोटो कौन है, कैसा दिखता है और इसके क्या क्या एडवेंचर्स थे, उसने कैसे कैसे बदमाशियाँ की और क्या क्या हुआ, ठीक है, ऑथर के साथ क्या क्या हुआ, उसके ग्रैंडफादर और ऑथर की जो स्टोरी थी और टोटो के साथ, वो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी. तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स जिसे आप कह सकते हैं. तो हम देखेंगे कुछ एक हार्ड वर्ड्स हमारे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर. तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अवर क्लास. एडवेंचर ऑफ टोटो एंड द राइटर इज रस्किन बॉन्ड. सी स्टूडेंट्स, अवर न्यू वर्ड्स. स्पार्कल, हमने देखा था, स्पार्कल एक वर्ड आया था. स्टूडेंट्स, आप भी इसे अपनी टेक्स्ट बुक में या एक नोटबुक में आप इसको लिखते हुए चलना, जिससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, ठीक है. स्पार्कल का मतलब क्या होता है, हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि उसकी आंखों में चमक थी, ठीक है ना. और चमक कैसी थी, बदमाशियों की जो चमक होती है ना, अलग ही होती है बदमाशों के आंखों में, ठीक है ना, जो बदमाश बच्चे वगैरह होते हैं उनमें. तो स्पार्कल, स्पार्क क्या होता है, चमक, तो स्पार्कल यानी चमकना. स्पार्कल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पार्कल का मतलब होता है चमकना. मिस्चीफ, मिस्चीफ ये वर्ड हमारे चैप्टर में बहुत बार आया है, आप सभी को इसका मतलब पता चल गया होगा. स्टूडेंट, इसकी स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखनी है, आई ई होगी, ई आई ई होगी, ठीक है ना. मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत, बदमाशी, ठीक है. बीनीथ, बीनीथ एक तरह से प्रपोजिशन में भी काम आता है. बीनीथ का मतलब क्या होता है, नीचे, किसी के नीचे होना, बीनीथ, ठीक है. हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि उसकी आईब्रोज के, बड़े बड़े आईब्रोज के नीचे उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, स्पार्कल थी, ऐसा एक सेंटेंस आया था, वहां आपको ये वर्ड मिल जाएगा. इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज डेलिसेसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिसेसी. डेलिसेसी इज विनम्रता, विनम्रता, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे, विनम्रता यानी पोलाइट, ठीक है. डेलिसेसी का मतलब पोलाइट. रेंच्ड, रेंच्ड का मतलब होता है झटके से खींचना. हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था कि जो टोटो था उसने क्या किया था, क्या झटके से खींचकर निकाल दी थी, पैग, पैग यानी नेल, नेल को हम और बोल सकते हैं कील, जो दीवारों पे हम ठोकते हैं ना कोई चीज लटकाने वगैरह के लिए, तो कील थी, कील को बोलते हैं स्टूडेंट्स पैग, पैग भी बोल सकते हैं, इसको हम नेल भी बोल सकते हैं. और ये क्या होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो इसे कील बोलते हैं. और रेंच का मतलब होता है झटके से किसी चीज को खींचना. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. श्रेड्स, हमने देखा था टोटो ने, जो ऑथर है, उसके ब्लेजर को, उसके स्कूल ब्लेजर को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया था, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, चिथड़े चिथड़े कर दिया ना, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट श्रेड्स. क्या कहते हैं, श्रेड्स. श्रेड्स का मतलब होता है छोटे टुकड़ों में काटना. क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, छोटे टुकड़ों में काटना. अबोर्ड, अबोर्ड हमने पढ़ा था कि जब दादाजी जो थे वो अपनी पेंशन लेने जा रहे थे, तो उन्होंने टोटो को एक ब्लैक कलर के कैनवास बैग में रखा था और टोटो के लिए वो उसका नया अबोर्ड था. अबोर्ड क्या होता है, निवास. अबोर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, निवास, जहां उसको नई रहने की प्लेस दी गई थी, मतलब जब तक दादाजी का ट्रैवलिंग चल रहा था तब तक के लिए टोटो का जो निवास स्थल था वो क्या था, वो कैनवास की ब्लैक कलर की बैग थी. तो निवास को क्या कहते हैं, निवास को हम कहते हैं अबोर्ड. क्या कहते हैं, अबोर्ड. साथ साथ लिखते हुए चलिएगा स्टूडेंट्स, और जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतनी ईजीली ये वर्ड्स आपको लर्न होंगे. और सिर्फ एक बार लर्न करने से, एक बार देखने से लर्न नहीं होते. आप इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए. जितना ज्यादा आप इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, उतने अच्छे से आपको
जो वर्ड्स की नॉलेज आपकी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जीबिशन। व्हाट डज दिस मीन? एग्जीबिशन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि यहाँ साइंस एग्जीबिशन लग रखा है या अदर अदर तरह के एग्जीबिशंस होते हैं। तो व्हाट डज एग्जीबिशन मींस? एग्जीबिशन मींस प्रदर्शनी। एग्जीबिशन क्या होता है स्टूडेंट? एग्जीबिशन होता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ठीक है। ऑनलुकर्स, आपने देखा था कि जब टोटोस बैग में उछल कूद कर रहा था तो दर्शकों की मतलब दर्शक बहुत ज्यादा हो गए थे, सब देख रहे थे कि ये नई चीज क्या हो रही है, क्यूरियस हो गए थे वो देखने के लिए। तो ऑनलुकर्स को क्या कहते हैं? ऑनलुकर्स का मतलब होता है दर्शक। ऑनलुकर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑनलुकर्स मीन्स दर्शक, ओके। त्रिमपंथ, व्हाट डज मीन, व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब होता है विजयी। आपने देखा होगा कि ये ना वो लुक देता है, एक विजय वाला लुक देता है जब दादाजी उस टिकट कलेक्टर को टॉन्ट में कहते हैं कि इस टॉर्टोइस का आप क्या प्राइस लेंगे, क्योंकि आप सभी जानवर के प्राइजेस लेते हैं, आप सभी जानवर के जो फेयर चार्ज करते हैं, तो आप इस टॉर्टोइस का क्या प्राइस चार्ज करेंगे। तो तब एक विजय वाला लुक आया था, तो ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विजय। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट इज क्वांड्रक्ट। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बोला था कि ये जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, तब भी ये वर्ड आता है। क्वांड्रक्ट मतलब होता है फोर फुटेड, चौपाया, जिसके चार पैर होते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स के लिए आता है चौपाया, जिनके चार पैर होते हैं फोर फुटेड, उन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स क्वांड्रक्ट। क्या कहते हैं? क्वांड्रक्ट, ओके। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वर्ड इज हे। हे को हम फोडर भी कहते हैं, हे को हम फोडर भी कहते हैं, और इसे हिंदी में कहा जाता है घास, ठीक है। आपके चैप्टर में आया है हे क्या होता है? फोडर होता है, इसको घास भी, इसको घास कहते हैं, ठीक है। हॉन्चेस, हॉन्चेस क्या होता है? आपने देखा था कि जब दादाजी उस डोंकी जिसका नाम नाना था उसके पास गए थे, तो उसकी शरारतों को देखकर उन दादाजी ने क्या किया था, उसके हॉन्चेस पे एक स्लैप मारी थी। तब मैंने आपको हॉन्चेस का मतलब बताया था। हॉन्चेस का मतलब होता है पृष्ठ भाग, या आप उस गधे की, उस डोंकी के अगर हॉन्चेस समझे तो आप उसका बैक समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कनिंग। कनिंग आपको भी शायद पता होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है। कनिंग का मतलब होता है चालाक। कनिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कनिंग मीन्स चालाक। टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टर्नस्टाइल होता है घूमने वाला दरवाजा। आपने देखा होगा घूमने वाला दरवाजा कैसा होता है। आपने कहीं भी, चाहे शायद आपने पार्क में देखा होगा या कहीं भी प्लेसेस पे आपने देखा होगा कि एक इस तरह का, मुझे अच्छे से आएगा नहीं बनाना, इस तरह का होता है कि आप यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे घूमकर एग्जिट और दोनों के लिए प्लेस होती है, ठीक है ना। तो इस तरह का एक घूमने वाला दरवाजा होता है जिसे कहते हैं टर्न स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉल्टर। व्हाट डज हॉल्टर मींस? हॉल्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि उस जानवर के गले में कुछ बांध रखा था जिसे हॉल्टर कहते हैं, ठीक है। तो हॉल्टर मतलब लगाम, जो उसके गले में बांधी जाती है। किसी भी पालतू जानवर के आपने गले में देखा होगा एक बांधने की एक पट्टी होती है जिसे कहते हैं हॉल्टर। नेक्स्ट इज डोसाइल। स्टूडेंट्स डोसाइल और डोमिसाइल में डिफरेंस होता है। डोसाइल का मतलब होता है क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल, मतलब ऐसा जो एकदम शांत सा हो, विनम्र स्वभाव का हो, उसके लिए वर्ड आता है डोसाइल। वापिस सुनिएगा स्टूडेंट्स, डोसाइल और डोमिसाइल दोनों डिफरेंट होता है। डोसाइल यानी शांत स्वभाव का पर्सन, विनम्र, इजी, और जो क्वाइट हो, इजी हो, जिसको कंट्रोल कर लेना, उसको बोलते हैं डोसाइल। डोमिसाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? डोमिसाइल होता है, आप कह सकते हैं घर, वो मूल निवास जिसे कहते हैं ना, आपका एग्जैक्ट रहने का स्थान, उसे आप बोलते हैं डोमिसाइल, ठीक है। आपने मूल निवास सुना होगा कि आपका मूल निवास बना हुआ है क्या, तो एक सर्टिफिकेट टाइप होता है, तो वैसे ही उसको इंग्लिश में कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल होता है रहने से, मूल निवास यानी रहने से संबंधित, ओके। नेक्स्ट इज हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब क्या होता है?
ड्रैग करना यानी किसी को घसीटना। होल्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? घसीटना। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे जो हार्ड वर्ड्स थे, जो न्यू वर्ड हमने इस चैप्टर से सीखे, वो कंप्लीट होते हैं। आपको और भी कोई वर्ड अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसका हिंदी वर्ड जरूर बताऊंगी। अदरवाइज आप डिक्शनरी में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने वर्ड्स मैंने आपको आज करवाए हैं स्टूडेंट्स, आप उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा और सेंटेंसेस भी फ्रेम कीजिए, उनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस भी बनाइए जिससे आप उन वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं ये समझ सको। तो स्टूडेंट्स हार्ड वर्ड्स हमारे कंप्लीट हुए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, मैंने पहले वही आपको समझा रही हूँ, वो आपको लिखवा रही हूँ, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछे भी जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट ज़ू। इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टोटो किस तरह से ग्रैंडफादर के प्राइवेट ज़ू में पहुंचा। प्राइवेट ज़ू आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जो टोटो है, जो वो मंकी है, वो दादाजी के घर कैसे आया, उनका जो प्राइवेट ज़ू था, इट मींस उनके घर वो कैसे पहुंचा। तो इसका आंसर है ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स। मैं आपको वापस कह रही हूँ स्टूडेंट्स, रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने वर्ड्स, अपने ओन वर्ड्स से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बशर्ते वो जो सेंटेंस है, जो आपका आंसर है, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। आप उसमें एरर्स करके, एरर्स डाल के आप एक्सपेक्ट करो कि आपको फुल मार्क्स मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको आपकी जो ग्रामर है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अब आई होप आप खुद सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो स्टूडेंट्स आंसर हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स, आंसर क्या है? अब वो टोटो ग्रैंडफादर के जू में, प्राइवेट जू था उनका, ठीक है, उनके घर कैसे पहुंचा? तो आंसर इज ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स। जैसे कि हमें पता है कि ग्रैंडफादर को एनिमल्स बहुत पसंद थे। वन डे ही सॉ दिस अट्रैक्टिव मंकी विद अ टोंगा ड्राइवर। एक दिन उन्होंने इस सुंदर से अट्रैक्टिव मंकी को देखा, कहां पर, किसके पास देखा? एक टोंगा ड्राइवर के पास। द मंकी वॉज टायर्ड। मंकी कैसा था? मंकी थक चुका था। मंकी वॉज सॉरी मंकी कैसा था? मंकी बंधा हुआ था। टायर्ड नहीं है, ये टाइड है, ठीक है, टायर्ड अलग होता है, मैंने इसको सॉरी टायर्ड पढ़ लिया था, टायर्ड नहीं है ये टाइड है। टाइड का मतलब होता है बंदे होना, बंदे होना, ठीक है, और टायर्ड यानी थका होना, थका होना, ओके। तो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, द मंकी वॉज टाइड, मंकी बंधा हुआ था टू फीडिंग ट्रॉ। फीडिंग ट्रॉ क्या होता है? मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी फीडिंग ट्रॉ की। तो मंकी किससे बंधा हुआ था? एक फीडिंग ट्रॉ से बंधा हुआ था एंड सीम आउट ऑफ प्लेस देयर। हमने ये सेंटेंस पढ़ा है हमारे चैप्टर में कि वो उस फीडिंग ट्रॉ से बंधा हुआ था और वहाँ वो कैसा लग रहा था? आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस यानी ऐसा लग ही नहीं रहा था, वो उस जगह को बिलोंग करता भी है, मतलब वो उस जगह पर रहने लायक नहीं लग रहा था, वो अलग ही लग रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो ग्रैंडफादर हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल्स, कि ग्रैंडफादर को कि जो एनिमल्स की तरफ पसंद थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। सो ही डिसाइडेड टू बाय टोटो फ्रॉम द टोंगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो टोंगा ड्राइवर है उससे टोटो को खरीद लिया जाए एंड बॉट इट फॉर 5 rupees। और इस तरह से दादाजी ने उसे 5 rupees में खरीदा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन था कि जो टोटो है वो दादाजी की प्राइवेट जू में कैसे पहुंचा। तो आंसर इसका ये बनता है कि जैसे कि दादाजी को जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव था, एक दिन उन्होंने टोंगा ड्राइवर के पास इस मंकी को देखा और वो एक फीडिंग ट्रॉ से बंधा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहाँ के लिए नहीं बना है, वो अलग ही लग रहा था वहाँ, इसीलिए क्योंकि दादाजी को बहुत ज़्यादा जानवरों से लगाव है, तो उन्होंने इस टोंगा ड्राइवर से उस मंकी को खरीदने की सोची और 5 rupees में इसको खरीद लिया। तो ये इसका आंसर था। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी।
मंकी, तो किस सेंस में कहा गया है, किस सेंस में टोटो प्रिटी है? ठीक है, हमने देखा है, हमने उसकी बदमाशियां देखी है, लेकिन टोटो प्रिटी है, लुक वाइज अच्छा है, तो किस तरह से वो प्रिटी है? आपको इस आंसर के लिए आपको टोटो का जो है वो उसकी विशेषताएं बतानी है, उसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं, आपको उसका फीचर बताना है कि वो कैसा दिखता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर से। टोटो हैड ब्राइट आईज स्पार्कलिंग विथ मिस्चीफ। हम स्टार्ट कर रहे हैं टोटो की आईज से, कि टोटो की ब्राइट स्पार्कलिंग अभी जस्ट हमने पढ़ा, चमकती हुई आंखें थी, जिसमें क्या थी, शरारत भरी चमकती हुई उसकी आंखें थी, पर्ली वाइट टीथ, पर्ल जैसे उसके वाइट टीथ थे, क्विक एंड विक्ट, क्विक फटाफट चलने वाली, और विक यानी विक क्या होता है, शरारत वाली उसकी फिंगर्स थी, एंड अ ग्रेशियस टेल, ग्रेशियस बहुत ही सुंदर, ग्रेशियस जो थी उसकी टेल थी, ठीक है, विच सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, उसकी जो टेल थी वो क्या काम करती थी, वो उसको थर्ड हैंड की तरह हेल्प करती थी, और स्माइल ऑफ टोटो, स्माइल कैसी थी टोटो की, वो क्यूट भी थी, और कैसी थी, फ्राइटेड और एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी उनको डरा दे ऐसी भी उसकी स्माइल थी। तो ऑल टुगेदर ऑल दिस क्वालिटीज मेड हिम प्रिटी, और साथ में इतनी सारी साथ में उसकी जो क्वालिटीज है इन सब ने मिलाकर उसको प्रिटी बना दिया, यानी इतनी सारी क्वालिटीज है टोटो की, उसकी आईज, उसके फिंगर्स, उसके टिथ, उसकी टेल और उसकी स्माइल, इन सब ने, ये सारी क्वालिटीज ने टोटो को प्रिटी मंकी बनाया है। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर? दादाजी ने टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर गए, एंड हाउ, और कैसे लेकर गए? इसमें स्टूडेंट्स तीन क्वेश्चंस है। पहला तो हमसे पूछा है कि क्यों लेकर गए, फिर सेकंड हमसे पूछा है कैसे लेकर गए, और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? कि टिकट कलेक्टर जो था उसने टोटो को डॉग ही क्यों बोला, मतलब वो इतना इंसिस्ट क्यों था कि टोटो को डॉग से ही क्यों अंपायर कर रहा था? तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने देखा है कि एक क्वेश्चन में ही तीन क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। टोटो वॉज अ मिस्चीफियस मंकी, यानी बहुत ही शरारती मंकी था, जैसा हम सबको पता है। ही कैप्ट डिस्टर्बिंग ऑल अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। जो ग्रैंडफादर का प्राइवेट जू है वहां टोटो सभी अदर जो जानवर थे, जो भी एनिमल्स थे, उनको परेशान ही करता रहता था। इट सीम्ड दैट ओनली ग्रैंडफादर कुड मैनेज हिम प्रॉपरली, और ऐसा प्रतीत होता कि सिर्फ दादाजी है जो इन सब चीजों को, टोटो की बदमाशियों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ही टुक टोटो टू सहारनपुर, इसलिए उन्होंने टोटो को सहारनपुर ले गए। अब यहाँ पूछा है कैसे लेकर गए, तो इसका आंसर है इन अ बैग। कैसे लेकर गए, इन अ बैग। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वाई से लेकर हाउ तक, उसका आंसर यहां तक है, और हाउ है उसका आंसर है इन अ बैग। कैसे लेकर गए, बैग में लेकर गए। वापस देखिए स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है, कि दादाजी टोटो को अपने साथ सहारनपुर क्यों लेकर गए, क्योंकि टोटो जो था बहुत ही मिस्चीफियस था, बहुत ही शरारती था, और वो दादाजी का जो प्राइवेट जू था वहां सभी अदर जो एनिमल्स है उनको डिस्टर्ब करता रहता था, इसलिए ऐसा लगता था कि सिर्फ दादाजी है जो टोटो की इस बदमाशियों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, इसलिए दादाजी टोटो को अपने साथ सहारनपुर लेकर गए, बैग में लेकर गए। ठीक है, नेक्स्ट इज Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? तो इसका आंसर है, the ticket collector called Toto a dog. The ticket collector called Toto a dog as the monkey did not qualify the category of human beings. क्यों कहा dog? क्योंकि जो monkey है उसको human beings से compare नहीं कर सकते, ठीक है ना।
मंकी को हम इंसान के रूप में तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसलिए एज अ डॉग उसको कंपेयर किया, लाइक कि जानवर है तो इसका भी चार्ज होगा, लाइक डॉग का चार्जेस होता है तो मंकी का भी चार्जेस होगा। तो आप इसका आंसर क्या है, द टिकट कलेक्टर कॉल्ड टोटो अ डॉग, टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग कहा, एज द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि मंकी जो है वो ह्यूमन बींग की कैटेगरी में आने के लिए क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी तीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहला है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, टोटो किस तरह से बात करता है, आप सभी को पता है, पहले वो टेम्परेचर चेक करता है, फिर एक पैर डालता है, फिर दूसरा पैर डालता है, इस तरह से आपको बताना है कि टोटो बात किस तरह से करता है। वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, और ऐसा करना उसने कहां से सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉइल हिमसेल्फ अलाइव, और किस तरह से टोटो खुद को एक बार जिंदा ही बॉइल करने वाला था, क्या इंसिडेंट हुआ था वो आपको बताना है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस है, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है, वो इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि एक ही क्वेश्चंस में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इस तरह से इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है कि जो आपका चैप्टर है उसके ऑलमोस्ट चीजें इनके आंसर्स में कवर हो जाती है। तो अगर एग्जाम्स में इन क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन था, ये तो हमारी बुक में था ही नहीं। जो आंसर्स है वो मिलते जुलते ही होंगे, जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है एग्जामिनर उसको चेंज कर सकता है, बट इट डजंट मीन कि आपको आता नहीं है। ठीक है ना, आपने मुझसे सीखा है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग चाहे कोई भी हो, हमने आंसर्स को इस तरह से कवर किया है कि चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, हम इन्हीं आंसर्स में से अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स का चूज करना है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो हमें बताना है कि टोटो किस तरह से बात करता था। टोटो कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, टोटो क्या करता था, कनिंगली चालाकी से, मतलब उसको आता था क्या करना, टेम्परेचर को टेस्ट करना, और कैसे करता था, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से पहले तो वो पानी को ऐसे चेक करता था कि टेम्परेचर उसका सही तो है, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और धीरे धीरे बाथ के अंदर यानी पानी के अंदर जाता था। कैसे जाता था, ही स्टेप फर्स्ट फुट वन फुट, पहले एक पैर अंदर डालता, देन द अदर, फिर अदर मतलब दूसरा पैर डालता, until he was into the water up to his neck। इस तरह से पहले एक पैर डालता फिर दूसरा पैर डालता जब तक कि वो नेक तक उस पानी के अंदर नहीं पहुंचे, धीरे धीरे वो उस पानी के अंदर आता कहां तक, नेक तक। ठीक है, नेक को है वो अपने पानी से ऊपर रखता। He rubbed himself all over with the soap, और फिर सोप लेता और अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से रब करता। कहां से, अब सेकंड क्वेश्चन है, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, ये करना उसने कहां से सीखा। तो यहां से सेकंड क्वेश्चन का आंसर आता है कि ही लर्न इट ऑल फ्रॉम द ऑथर, कहां से सीखा उसने ये सब, ऑथर से सीखा। ठीक है, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉइल हिमसेल्फ अलाइव, किस तरह से वो खुद को ऑलमोस्ट बॉइल कर ही चुका था, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि समडे कुछ दिन कोई दिन टोटो गॉट इन अ लार्ज किचन कैटल विच वॉज ऑन फायर टू बॉइल। एक बार की बात है, मतलब आपको बताना है इसका आंसर कि एक बार क्या हुआ, किचन में एक बड़ा सा कैटल रखा था जो बॉइल करने के लिए गैस पे रख रखा था। ही एंजॉयड द वॉर्म वाटर, उसने उस वॉर्म वाटर को एंजॉय किया, बट वेन द वॉटर टर्न आउट टू बी हॉट, लेकिन जब पानी और ज्यादा गर्म होने लगा तो ही जम्प्ड अप एंड डाउन, तो वो उछलने लगा। ठीक है, सडनली द ग्रैंड मदर अराइव्ड एट, अचानक से दादी आती है वहां, एंड पुल हिम आउट इन हाफ बॉइल्ड कंडीशन, और उसको उस कैटल में से आधे बॉइल्ड कंडीशन में बाहर निकालती है। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
not the sort of pet we could keep for long. Author ने ऐसा क्यों कहा है कि author ने ऐसा क्यों कहा है कि टोटो जो है वो इस तरह का पैट नहीं है जिसे ज्यादा टाइम तक के लिए रखा जा सके. तो आप सभी को पता है author ने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज टोटो इतना ज्यादा बदमाश था कि उसको रखना वर्थ इट नहीं था, और वो इतनी ज्यादा तोड़फोड़ करता था कि इतनी ज्यादा लॉस है वो बियर नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे. इसलिए ऑथर ने ऐसा कहा कि टोटो इस तरह का पेट तो नहीं था कि उसको ज्यादा टाइम तक घर में एज अ पेट रखा जाए. तो आइए स्टूडेंट इसका आंसर हम देखते हैं. ऑथर स्टेटमेंट अबाउट टोटो प्रूव्स इटसेल्फ इफ वी टेक टोटो मिसडीड्स इनटू कंसीडरेशन. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ऑथर का ये जो स्टेटमेंट है टोटो के लिए, वो प्रूव करता है कि अगर हम टोटो की हम क्या कर रहे हैं, टोटो की मिसडीड्स यानी उसको गलती को कंसीडरेशन यानी हानि में उसकी गलतियों को हानि दे रहे हैं, यानी कि हाँ भाई तू कर, हमें कोई मतलब नहीं है तू कर. तो मतलब इस तरह से वो प्रूव होता कि अगर हम उसको रखते तो ये चीज प्रूव होती. तो नोबडी could afford the frequent losses. तो कि कह रहा है कि इस तरह के जो frequent आए दिन होने वाले जो losses हैं वो कोई afford नहीं कर सकता. He disturbed all other animals too. जो टोटो है वो बाकी animals को भी disturb करता रहता था. Obviously टोटो was not the sort of pet we could keep for long. तो टोटो जो है वो इस तरह का pet नहीं है जिसे हम लंबे time तक रख सके. तो students आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैंने अच्छे से समझा ही दिया, क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा बदमाश था, सबको परेशान करता रहता था, तोड़फोड़ करता रहता था, और इतना लॉसेस आए दिन बियर करना वाज नॉट अफोर्डेबल. सो द ऑथर स्टेटेड दिस स्टेटमेंट. ओके, यहां तक आपके क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक वाले थे. अब स्टूडेंट्स हम कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े इंपॉर्टेंट है. ओके, बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस की ओर. Why did the author grandfather decide to buy Toto? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि क्वेश्चन ये था कि जो टोटो है वो दादाजी के ज़ू में कैसे पहुंचा. तो वही चीज है, क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है कि जो दादाजी ने टोटो को क्यों बाय किया. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ा था कि टोटो जो दादाजी है वो एनिमल लवर थे, उनको एनिमल्स बहुत पसंद थे, उन्होंने एक दिन टोटो को एक फीडिंग क्रॉस से बंधा हुआ देखा था और वो उसे ले आए थे. तो वही चीज हमें यहाँ पर भी लिखनी है. मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो वही चीज पूछी गई है कि ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो को बाय करना यानी खरीदने का डिसीजन क्यों लिया. आंसर इज ग्रैंडफादर वॉज एन एनिमल लवर. जो ग्रैंडफादर थे वो क्या थे, एनिमल लवर थे, एंड टू पिटी ऑन टोटो. और उनको टोटो की जो कंडीशन थी, बेचारा वहाँ बंधा हुआ था, एकदम अलग ही लग रहा था, तो उस पर थोड़ी सी दया करते हुए, एज इट वॉज केप्ट टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉक. क्यों दया दिखाई उन्होंने, क्योंकि वो फीडिंग ट्रॉक से बंधा हुआ था. इसलिए टोटो टुक आउट ऑफ प्लेस, टोटो वहाँ अलग सा ही लग रहा था, एंड ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ब्रिंग इट टू हिज प्राइवेट ज़ू. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपने प्राइवेट ज़ू में उसको लाएंगे. He was much impressed by Toto. वो बहुत ज़्यादा Toto से impressed थे, इसलिए उन्होंने ऐसा decide किया. Okay, next question. Why could not Toto and Nana become friends? Toto और Nana जो है वो दोस्त क्यों नहीं बन पाए. तो आपको वो वाला सीन अच्छे से याद ही होगा, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया है, तो इसका आंसर हम अच्छे से देखते हैं. Toto was very naughty, बहुत बदमाश था और बहुत ही चालाक था, विद था, एंड कुड नॉट स्टे स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम. और ज्यादा टाइम तक वो कहते हैं ना स्टिल, एक ही जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, उसको उछल कूद मस्ती मस्ती चाहिए होती थी. तो टोटो बहुत ही ज्यादा बदमाश था, शरारती था, और वो काफी लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह पर बैठकर नहीं रह सकता था. नाना वॉज अ वेल बिहेव्ड एंड डोसाइल एनिमल. और जो नाना था वो बहुत ही सभ्य विनम्र टाइप का एनिमल था. When they were together,
टोटो बिट ऑन द लॉन्ग ईयर्स ऑफ नाना. और जब वो दोनों साथ में थे तो टोटो ने क्या किया, टोटो ने उसके जो बड़े से कान थे उसको बाइट कर लिया था. और नाना इससे अनॉयड हो गया टोटो से, और इस वजह से नाना और टोटो जो है वो कभी दोस्त नहीं बन पाए. ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज टोटो बिकम अ प्रॉब्लम टू ग्रैंडफादर व्हाइल गोइंग टू सहारनपुर. जब दादाजी सहारनपुर जा रहे थे तो टोटो है वो दादाजी के लिए किस तरह से प्रॉब्लम बना, तो आप सभी को पता है वो उसने क्या क्या किया था. तो व्हाइल गोइंग टू सहारनपुर टोटो बिहेव्ड वेल. जब सहारनपुर के लिए जा रहे थे तो टोटो ने थोड़ा सही बिहेव किया. लेकिन व्हेन ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब दादाजी अपनी टिकट जो है वो खरीद रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. टोटो ने अचानक से अपना सर है वो बैग में से बाहर निकाल दिया. ही गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और उसने टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी बत्ती से दिखाकर स्माइल दी. ठीक है, द टिकट कलेक्टर इंसिस्टेड दैट ग्रैंडफादर मस्ट पे द टिकट, मस्ट बाय द टिकट फॉर द पेट. और फिर टिकट कलेक्टर ने कहा कि भाई आपको इस पेट के लिए भी टिकट खरीदनी पड़ेगी. और इस तरह से ये क्या एक बड़ी सी प्रॉब्लम साबित हुई ग्रैंडफादर के लिए कि उन्हें 3 रुपीज उसके लिए पे करने पड़े. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, वेयर वॉज टोटो कैप्ट इमीडिएटली आफ्टर ग्रैंडफादर गॉट हिम एंड व्हाई. जब टोटो को लाया गया था तो इंस्टेंटली जब उसको लाया गया था दादी जी को नहीं बताना था, दादी से छुपकर उसको रखना था, छुपाकर उसको रखना था. तो लाते ही टोटो को कहाँ रखा गया था, तो आप सभी को याद होगा एक छोटे से क्लोजेट में उसे रखा था जहाँ उसने ऑथर है उसके स्कूल के ब्लेजर को चिथड़े चिथड़े कर दिए थे. तो हमें आंसर देना है, तो टोटो वॉज कैप्ट इन अ क्लोजेट. कहाँ रखा गया था उसे, क्लोजेट में रखा गया था. क्लोजेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक छोटी सी अलमीरा कह सकते हैं हम. तो टोटो को क्लोजेट में रखा गया था. ही वॉज टाइड सिक्योरली टू अ पैग, और उसको अच्छे से कहा एक पैग से बांध दिया गया था. बिकॉज हिज प्रेजेंट वॉज टू बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम द राइटर्स ग्रैंड मदर. क्यों पैग से क्यों बांधा था उसे, क्योंकि उसकी जो प्रेजेंस है उसकी उपस्थिति को दादी से सीक्रेट रखना था. As she abhorred animals, क्योंकि वो जो animals को थोड़ा सा इतना ज़्यादा like नहीं करती थी. ठीक है, इसलिए टोटो को एक क्लोजेट में एक पैग से टाई करके रखा गया. नेक्स्ट इज हु वॉज नाना. आपको पता ही है नाना कौन थे, नाना एक zoo family का एक part था. ठीक है, और वैसे वो donkey थे. हाउ डिड टोटो टीज नाना, टोटो ने किस तरह से नाना को टीज किया, छेड़ा उसको, किस तरह से परेशान किया. तो नाना वॉज द फैमिली डॉक्टर, सॉरी नाना वॉज द फैमिली डोंकी. तो नाना कौन थे, फैमिली डोंकी थे, मतलब डोंकी के फैमिली से थे. टोटो वॉज कैप्ट इन द स्टेबल विद नाना. टोटो को कहाँ रखा गया था आपको याद है, नाना के साथ स्टेबल में. वेयर, अब ये वेयर किसके लिए आया है, वेर जहाँ टोटो यूज टू टीज नाना, जहाँ टोटो जो था वो नाना को परेशान करता था बाय फास्ट बाइटिंग ऑन टू हर लॉन्ग ईयर, जहाँ वो फटाफट से नाना की जो है ईयर्स को लंबे लंबे उसके जो कान थे उसको बाइट कर लेता था. विथ हिज शार्प लिटिल अपने छोटे से पर तीखे दांतों से वो नाना के जो कान थे उसको बाइट कर लेता था. इवन नाना गॉट फेड अप विद टोटो, यहाँ तक कि जो नाना था, जो डोंकी था, वो भी टोटो से परेशान हो गया था. तो यहाँ हमने देखा कि नाना कौन था, नाना फैमिली डोंकी फैमिली से बिलोंग करता था. इन व्हाट सेंस वाज टोटो अ प्रिटी मंकी, ये हमने पढ़ ही लिया है. हमारा क्वेश्चन था कि टोटो को प्रिटी मंकी क्यों कहा गया है. तो ये हमने टोटो के फिजिकल अपीयरेंस और उसके बारे में बताया है कि टोटो आएगा यहाँ. टोटो की जो ब्राइट आईज थी स्पार्कल कर रही थी मिस्चीफ से, उसके डीप आईब्रोज के नीचे जो उसकी आईज थी उसमें
मस्ती की शरारत की चमक थी। हिज पर्ली वाइट टिथ, जो उसकी पर्ली वाइट टिथ थे जो ऑफन स्माइल करते थे, दैट हैज द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड, उसमें एक बच्चे की स्माइल जैसा इनोसेंस था, मासूमियत थी, लेकिन एक अंडरलाइन टिंच ऑफ नॉटीनेस फिर भी उस हंसी के पीछे भी क्या थी, शरारत और मिसचीफियस थी। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डिड टोटो लव फॉर टेकिंग बाथ ऑलमोस्ट लेड टू हिज बीइंग हाफ बॉयड। टोटो का जो प्यार है नहाने की तरफ, वो उसको किस तरह से आधे बॉयड वाले पोर्शन में लेकर गया। तो आपको याद ही होगा कि टोटो को नहाना पसंद है, इसलिए वो कैटल में बैठ गया था और फिर जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो वो आधा बॉयल हो गया था। तो टोटो यूज्ड टू लव टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर, गर्म पानी में नहाना उसको पसंद था। वंस व्हेन अ कैटल वाज केप्ट ऑन फायर विथ वाटर टू बॉयल फॉर टी, पानी किसके लिए, चाय बनाने के लिए रखा गया था, तो टोटो सेट इन इट, सो टोटो है वो उसमें बैठ गया। When the water began to boil, जब पानी जो है boil होने लगा, Toto tried getting up, but find outside cold. वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर ठंड थी, तो वो वापस अंदर ही बैठ गया। He kept on hopping outside, और बाहर उछल, मतलब वो पानी गर्म हो रहा था तो उछल रहा था और वापस अंदर जा रहा था। इस तरह से after some time he started enjoying this गेम, और कुछ टाइम बाद वो इस गेम को एंजॉय करने लगा और अंदर ही रह गया, बॉय होता गया। फिर दादी आई थी उसको निकालने के लिए। Why did grandfather give away Toto the monkey? ये क्वेश्चन है कि दादाजी ने वापस जो मंकी है टोटो उसको वापस क्यों दे दिया। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था स्टूडेंट, जिसमें ये लिखा था कि टोटो जो है वो काफी टाइम तक एज अ पेट रहने लायक नहीं था, तो वो क्यों कहा गया था। तो वही चीज इसमें हम यूज कर सकते हैं कि दादाजी ने टोटो को वापस क्यों दे दिया। क्यों? क्योंकि टोटो वाज वेरी नॉटी, बहुत शरारती था और सबके लिए ट्रबल क्रिएट करता था। अदर पेट्स वर नॉट हैप्पी विद हिम, बाकी जो पेट्स थे उसके साथ खुश नहीं थे। ही ब्रोक लॉट ऑफ डिशेज, उसने कई सारे बर्तन तोड़ दिए थे, कपड़े फाड़ दिए थे, कर्टन्स फाड़ दिए थे और वॉलपेपर्स भी उसने फाड़ दिए थे। He had become very difficult to handle, उसको handle करना बहुत ज़्यादा difficult हो गया था, इसलिए grandfather ने Toto को वापस उस Tonga driver को दे दिया। Next is, wait, okay, why did the grandfather hide Toto for some time when he brought him home? जब Toto को घर में लाया गया था तो दादाजी ने उसको कुछ time तक छुपा कर क्यों रखा, क्योंकि दादी को दादी से छुपाना था और दादी जो है वो इतने सारे पेट से परेशान हो चुकी थी। जब भी कोई नया पेट लाते दादी परेशान सी हो जाती, इसलिए दादाजी ने और इस ऑथर ने दादी से ये बात छुपा कर रखी थी। तो ग्रैंडमदर वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, ग्रैंडमदर जो थी उनको इतना ज्यादा एनिमल्स का शौक नहीं था। एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग एंड व्हेन ही यूज्ड टू ब्रिंग अ न्यू एनिमल और बर्ड, एनिमल है स्टूडेंट्स ये, और जब भी दादाजी कोई नया एनिमल या बर्ड लाते, she used to make a lot of fuss, बहुत ही ऐसा चिड़चिड़ सा, ऐसा परेशान वाला रूप देती वो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस, ग्रैंडफादर हाइड टोटो, इसलिए ग्रैंडफादर ने टोटो को छुपा कर रखा कुछ टाइम तक। एंड अनाउंस हिज अराइवल टू हर व्हेन शी वाज इन गुड मूड, और जब दादी का मूड थोड़ा सा अच्छा था तब दादाजी ने बताया कि हमारे घर में एक नया पेट, नया मेहमान और है जो है टोटो। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हो गए बट ठीक है, आपके लिए अच्छा है। व्हाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू टेक टोटो अलोंग विथ हिम टू देहरादून, ये भी हमने पढ़ा है कि साथ में देहरादून से उसको साथ में क्यों लेकर गए, क्योंकि हमने देखा ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो अलोंग विथ हिम टू देहरादून As there were many other pets also, बहुत सारे pets थे जो वहाँ रह रहे थे, लेकिन Toto not allow any of his companions to sleep at night, उन सभी को वो परेशान करता था, रात को सोने नहीं देता था, इसलिए दादाजी ने ऐसा decision लिया। तो students, I hope जितने भी questions मैंने आज आपको करवाए हैं आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किस तरह से कोई भी question आए आपको answer देना आना चाहिए, इसलिए मैंने extra questions भी करवाए हैं। तो
आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।